हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आया हूँ मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को विजिट करने के लिए। तो ऐसे कुछ यहाँ पे एंट्री है और यहाँ पे ये साइड में स्टेडियम है और यहाँ पे है मेरे साथ में मेरा भाई जो यहाँ पे पढ़ता है। तो अब हम आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी बिल्डिंग कहाँ कहाँ पर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे मैं आपको दिखाता हूँ इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल और क्या क्या डिपार्टमेंट है, कैसी कैसी यहाँ पे स्टडी वो मतलब बिल्डिंग्स हैं। तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है यहाँ का। पे वेटनरी पीजी स्टूडेंट हूँ और अभी वेटनरी को हिंदी में बोलते हैं डांगरों का डॉक्टर। डांगरों का नहीं मतलब जानवरों का डॉक्टर, पशु चिकित्सक है वेटनरी। तो यहाँ पे इसने ग्रेजुएशन कर लिया, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है। चलो, तो आपको इसके यूनिवर्सिटी में घूमने आए हैं, थोड़ी देर घूमेंगे, देखेंगे यूनिवर्सिटी कैसी है और अपने एवरेज तो चेक हो ही रहा है साथ में। तो चलिए देखते हैं, चलते वापस। तो यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी है, ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है, ये छोटी सी कैंटीन राइट साइड, इधर लेफ्ट में कैंटीन है। ये कुछ यूनिवर्सिटी की रोड है, बहुत बढ़िया रोड बनी हुई है। तो अभी हम थोड़ी देर यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल विजिट करने के लिए, देखते हैं कैसा यहाँ का हॉस्टल है। लेफ्ट राइट बताओ। अभी तो हॉस्टल से सब रहा है, हॉस्टल ही है। हाँ, तो हम अभी हॉस्टल वाली कॉलोनी में घूम रहे हैं। इस साइड तो लेफ्ट साइड तो फोर्थ क्लास की है सब बिल्डिंग, लेफ्ट साइड में क्वार्टर है फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज के। यहाँ पे राइट साइड में कुछ टीचर्स हैं और राइट साइड में एक ये इधर स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट हॉस्टल है। तो कोई आपको टाइप थ्री बोलते हैं, कौन सा हॉस्टल है, टाइप वन या टाइप टू? तीन अलग अलग बिल्डिंग है इधर। यहाँ तीन बिल्डिंग बनी हुई है, अभी हम आपको पास जाके दिखाते हैं। टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री की बिल्डिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे है पोल्ट्री रिसर्च सेंटर। अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पढ़ लो आप, क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में। तेरा चाचा गार्ड नमस्ते कर रहा है, तो रोक भी नहीं आया यार, हिसाब बनना भाई का चलेगा। भाई साहब हम सोचे थे गार्ड रोक के, तो नमस्ते करके जा रहा गार्ड भी है। तब हमें खंडर की बिल्डिंग में घुस चुके हैं, यहाँ देखें क्या है, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च होती है तो सब ऐसे ही लगेगा देसी जुगाड़, कोई हाई फाई कॉलेज तो है नहीं। हम सोच रहे थे गार्ड रोक के पूछेगा कहाँ घूम रहे, तो भाई को सैल्यूट मार रहे गार्ड भी आगे क्यों ना दिखाई, ये तो जरूर दिखानी पड़ेगी तभी तो पता चलेगा। बुलेट के पटाखे मार के ये बोलिए ना, बुलेट के पटाखे मार के हिसाब बना रखा भाई ने। अब हम आप आ चुके हैं बाराबंकी, नहीं बरबरी होगा, बरबरी बकरी का ही यूनिट इसको कहते हैं, बरबरी बकरी का। यहाँ बकरी पे कोई रिसर्च होती होगी तो ये बकरी का क्वार्टर, ये बकरी के क्वार्टर है, यहाँ बकरी पाल रखी होगी इन्होंने, उसको कोई रिसर्च करते होंगे। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं और कहाँ चलने वाली है, पिगरी देखनी है। चलो आगे, पिगरी मतलब सुअर वाला कुछ, सुअर और घोड़े का कुछ सिस्टम है वहाँ पे, देख के आते हैं। भेड़ और घोड़े हैं, कहाँ भेड़ भी घोड़े भी हैं बता दिया। चल के देखते हैं, बैग लेके आ जाओ, चौधरी चरण सिंह थोड़ा चारों तरफ बच्चे ही बस। यहाँ घोड़े बस शेर की कमी रह गई, किसकी आ जाएगा कुछ दिन, शेर की, शेर तो है यहाँ पीजी स्टूडेंट, शेर है पीजी स्टूडेंट भाई। बकरी की गर्दन पकड़ के काट दे, इक्वाइन यूनिट अंदर उतर के दिखा दे। तो अभी हम आ चुके हैं इक्वाइन यूनिट में, तो ये घोड़े की यूनिट है, आपको उतर के दिखाते हैं। चलो यहाँ पे घोड़े भी पाल रखे हैं, घोड़ों की रिसर्च होती है, तो घोड़े दिखाते हैं आपको। हैं हाँ, तो बहुत तगड़ा घोड़ा है। तो यहाँ ये घोड़े की रिसर्च है कुछ,
नहीं है, ये घोड़ा है, इस पर रिसर्च होती होगी। अंदर भी कुछ है क्या? गोबर पड़ा है तो घोड़े का कुछ नहीं। चल तो ये घोड़े की रिसर्च यूनिट है यहाँ पे, और यहाँ से पीछे तालाब है, इसमें बगुले हैं, पता नहीं इसमें भी बत्तख है। इसमें क्या है भाई? इसमें यहाँ ये डक है, डक की यूनिट इधर है, यहाँ डक पाल रखी है, डक यूनिट है, मतलब डक रिसर्च करने की। और ये डक ही डक है, इसमें और कुछ नहीं है। सामने पिगरी, सामने पिगरी यूनिट है, वहाँ पे सुअर पाल रखे हैं, सुअर की रिसर्च होती है। तो यहाँ पे हॉस्टल एरिया आ चुका है, ये साइड में मेरे हॉस्टल है, टाइप वन के हॉस्टल सारे। एंट्री गाड़ी कोई नहीं। अब हम टाइप वन के हॉस्टल से होते हुए पोल्ट्री यूनिट में जा रहे हैं, सीधे जाना है भाई। यहाँ पे ये हॉस्टल देखोगे आपने, इसके बाद ये पोल्ट्री यूनिट आ गए। यहाँ पे मुर्गियों पे रिसर्च होती है सारी, मुर्गियों के बारे में पढ़ाया जाता है, उनकी बीमारियों के बारे में सब बताया जाता है। तो अब हम वहीं जा रहे हैं। तो ये मतलब यहाँ पे एरिया आपको ऐसे मिलेगा खेतों वाले, क्योंकि सब जानवरों की रिसर्च है। ये है कुक्कुट अनुसंधान, तो यहाँ पे मुर्गा रिसर्च होती है। अब हम पहुँच चुके हैं बिल्डिंग में, बिल्डिंग में जाके देखते हैं क्या मिलता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, चलो अंदर जाके क्या, अंदर जाके तो तू ही बता दे भाई क्या है। हम नहीं जाते अंदर, कुछ नहीं, बस अलग अलग यूनिट है, अलग अलग ब्रीड्स है। एक साइड ब्रॉयलर है, एक साइड है ये आपके देसी मुर्गे है, और दूसरी साइड है सफ़ेद अंडे देने वाली है जो तो मतलब ये है कि हर टाइप की मुर्गी बकरी मुर्गी यहाँ मिल जाएगी, सफ़ेद अंडे देने वाली, पीले अंडे देने वाली, सबकी यहाँ पे रिसर्च हो है। और कोई ब्रीफ में यही बात है इसकी, ऐसा कुछ यहाँ का एरिया आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ एरिया है यहाँ का, बिल्कुल खेतों वाली फीलिंग है, खेतों वाली फीलिंग है, खेत में ही है यूनिवर्सिटी पूरी। तो अब हम कहीं और चलते, कहाँ चल रहे हैं? ठीक है, पहिया गिर गया, बंद कर ले, पकड़िए कैमरा एक बार, नीचे उतर जाता है उधर। वीडियो के चक्कर में गाड़ी धस गई हमारी, देखा देख लिया ठीक चले, सुन जाना ही उतर जाएगी, नुक्की नहीं ले सीधी की सीधी, बस चलते। भाई वीडियो बनाने के चक्कर में गाड़ी नाली में कूद गई थी हमारी, बच गई, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आया होगा, दिखा देंगे आपने देख भी लिया होगा वीडियो में, जो बस बच गई, वो ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं था तो हम कुछ नहीं बिगड़ा, बैक करके निकल गई। अब हम कहाँ जा रहे हैं भैया? वापस दूसरे यूनिट के पास। कौन से यूनिट? यूनिट के आप मेन कॉलेज में जाएंगे। अब हम मेन कॉलेज में जहाँ पे क्लासेस चलती हैं, क्लास रूम वगैरह होता है, वहाँ जाके आपको इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिखाएंगे कैसा है। तो चलिए चलते, हरगोविंद खुराना छात्रावास, ऐसा कुछ यहाँ का हॉस्टल है, बाहर से आपको देख चुके होंगे। इधर है पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्टल, सामने स्टेडियम भी है, स्टेडियम में छोटा ये बैडमिंटन और बैडमिंटन तो हमारे सामने स्टेडियम है, यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है, इंडोर बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट है, खेलने के लिए खूब अच्छी सुविधा है। तब हम जिम भी है यहाँ पे, इसमें इंडोर स्टेडियम के अंदर जिम भी है। हम गाड़ी में से इसलिए उतरे क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, हम गाड़ी में बैठ बैठ के घूम रहे हैं, जहाँ तक घूमा जा रहा है। अब कहाँ चलना है भैया? अब हम वापस यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिखाएंगे, क्लास वाला जो हम दिखा रहे थे पहले। ये हमारे सामने हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, ये एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये उसकी बिल्डिंग है, एग्रीकल्चर कॉलेज की यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है इधर कृषि महाविद्यालय हिंदी में। अब हम आगे जाते हैं, आगे है जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जैव प्रौद्योगिकी क्या कहते हैं, बायोटेक यूनिवर्सिटी है ये, मतलब बायोटेक वाला कॉलेज है हमारे राइट में, हम इसको दिखाते हैं आपको। ये कुछ यूनिवर्सिटी की रोड है, आप देख सकते हैं कितनी चमचमाती हुई रोड है। यू टर्न ले लो यहाँ से, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो ये सामने बिल्डिंग है कॉलेज की। अब हम
यूनिवर्सिटी की रोड है, ये आप देख लो फूड टेक्नोलॉजी का कॉलेज इधर है, ये यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी की क्लासेस चलती है। कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय, आप पढ़ लो क्या लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा हिंदी में। तो ये फूड टेक का कॉलेज है थोड़ा अच्छे। ये कॉलेज का कुछ कैंपस एरिया, एक बिल्डिंग इसके पीछे थी, एक बिल्डिंग इसकी लेफ्ट में आ गई हमारी। अब हम ये बिल्डिंग दिखाते हुए आपको सीधे जा रहे हैं, फिर से दोबारा से खेत शुरू हो गए, खेतों के बीच में बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो एग्रीकल्चर पे रिसर्च होती है, तो एग्रीकल्चर के मतलब आसपास अपने प्रैक्टिकल करके देखते रहते हैं। इधर लड़कियों का ये यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है लेफ्ट में, बिल्कुल लास्ट में आ गए। अब हमें सीधे जाना है, सीधे रोड का राइट लेफ्ट सीधे लाल बहादुर शास्त्री गर्ल्स हॉस्टल है ये भी। ये गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, लड़कों का पहले यहाँ पे बॉयज हॉस्टल था लेकिन अब इसको गर्ल्स हॉस्टल बना दिया। रोड यहाँ पे है ही नहीं, पत्थर आ गए, थोड़ी सी सड़क खराब हो गया, पर कोई नहीं, एग्रीकल्चर सब चलता है। अब यहाँ से वेटरनरी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेटरनरी कॉलेज यहाँ से स्टार्ट। अभी हमारे सामने आ चुका है वेटरनरी कॉलेज, जो कि यहाँ का ताजमहल है। ये सबसे मतलब सुंदर बिल्डिंग है यहाँ की वेटरनरी कॉलेज की। अब यहाँ पे बाइकें भी खड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये की है, तो ये हमारा मेन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, सबसे सुंदर बिल्डिंग बोलते हैं इसको, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। पार्किंग लगा दो जी, हमने ले लूँगा यहीं, चल छोड़ा के लेंगे तुम्हें। तो ये तो कॉलेज था, सबसे सुंदर कॉलेज लगा जब तक का हमें यहाँ का। ये था कौन सा, क्या नाम था इस कॉलेज का, वेटरनरी कॉलेज भैया, वेटनरी वाला कॉलेज था, यहाँ पे क्लासेस पे वेटनरी वाले बच्चों की सामने राइट साइड पे जाके, तो अब सामने जा रहे भाई हम लाइट पे नहीं से दी थी कुछ नहीं से राइट साइड पे का वो है जब ये यहाँ का क्लिनिक है, यहाँ पे वेटनरी क्लिनिक है, जहाँ पे ये वेटनरी क्लिनिक कॉम्प्लेक्स आ गया जहाँ पे जानवरों के इलाज होते हैं। ये भी बहुत बढ़िया है, तो अब हम यूनिवर्सिटी ज़्यादातर घूम चुके हैं, हमारे सामने एक प्ले ग्राउंड है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेडियम है यहाँ पे, ग्राउंड आपको दिख ही रहा होगा पूरा दूर तक है। तो अब ये यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी का नज़ारा था हमने आपको दिखाया है। अब हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, देखते रहे यार होगा। सब रेजिडेंट आगे यहाँ पे जो प्रोफेसर है उनकी रेजिडेंस है यहाँ पे, वीसी का रेजिडेंस है। हाँ तो वीसी को वाइस चांसलर होगा यहाँ पे, देखो ये मतलब जो यहाँ के प्रोफेसर है उनकी रेजिडेंस है। ये वापस से हम जहाँ से शुरू कर दिए लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी है ये, तो ऐसा कुछ यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है, बहुत सुंदर बनी हुई है। अब हमें कहाँ जाना है, अब हम वापस सेंट्रल लाइब्रेरी के पास अपनी पार्किंग में जा रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी से बाहर की तरफ जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की रोड है ये, बहुत अच्छी बनी हुई है, आपको दिख रही होगी वीडियो में। ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट आ चुका है बाहर निकलने के लिए, यहीं से एंट्री होती है और यहीं पर मेन गेट है। तो अभी मैं घूम चुका यूनिवर्सिटी में और अपने भाई को मैंने वहीं वापस ड्रॉप कर दिया उसके हॉस्टल में। तो यूनिवर्सिटी के बारे में आपको थोड़ी बहुत इसकी क्लिप दिखाई और इसकी बिल्डिंग्स दिखाई और क्या क्या यहाँ पे होता है थोड़ा उसका आइडिया दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अब हम चलते हैं वापस अपने घर की तरफ।